Good morning, good evening, good night. Hola. बोला बिचारा येईल ना महेश, मध्येच येईल, काय बिघडलं? महेश काय? चला आप शुरू तो करो. ग्रोअर गाइस तो सर, हाउ वाज इट? हाउ वाज द स्पेशल पीएस? बात किस तरह से सब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का माहौल रहा? बड़ा अच्छा था. बच्चों के साथ बात करते हुए पूरा नंगा होके बात करने का बहुत आसानी होती है. कुछ छिपाना है, कुछ जीतना नहीं है, कोई इम्प्रेस किसी को करना नहीं. अपना एक तजुर्बा है ज़िंदगी का, बताते जाओ. आ जा महेश. तो वो उसकी वजह से बहुत आसानी होती है. और आ जा चलेगा. आ जा. तो बच्चों के साथ बात करते हुए बड़ी आसानी होती है. और तुम्हारे ज़िंदगी भर का निचोड़ है तो बयां करते हुए बड़ा अच्छा लगता है. सही है गलत है वो सोचना नहीं पड़ता, ताकि तुमने जो किया है वो काम है तुम्हारे उनके सामने, और किसके बदौलत किया है कि मैंने ज़िंदगी ऐसे गुजारी, ऐसे ऐसी बात थी, ऐसे होता था. तो बड़ा अच्छा लगा बच्चों के साथ काम बात करते हुए. He enlightened them. उन्होंने खाली एज एन एक्टर ही बात नहीं की कि फिल्म सम्राट की या हीरोइन की, वो तो बातें चली इंटरेक्शन चला, लेकिन सबसे जो अच्छी बातें मैंने बच्चों को समझाई वैसे ह्यूमर कि उनकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल आने वाली है. अपने आप को बड़ा भी समझो और छोटा कभी मन समझो. एटीट्यूड रखो, लेकिन एटीट्यूड से अवेयर रहो. हम्बलनेस भी उतनी ज़रूरत है, ज़रूरी है. एटीट्यूड भी ज़रूरी है. ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में जो बोला उन्होंने, किसान के लिए, किसानों के लिए अपना जो मिशन चलाया है उसके बारे में कहा, तो सिनेमा से भी ऊपर बढ़ के बातें की. महेश जी ने बहुत अच्छा फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में बताया. ये अभिजीत जी हमारे राइटर्स हैं, फिल्म लिखी, हमारे प्रोड्यूसर हैं ऋषि साहब. और जो भी आप सवाल करना चाहें आप इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं. It was good. क्या होता है कि I come from low school. So till I was I think 16-17 मेरे को थिएटर से भी ना कुछ रिलेशन था ना सिनेमा से था. So somewhere I feel like I needed to tell those people कि yes, basic education is smart, but then you should have a will to succeed. और मैंने कहाँ से सीखा? मैंने कोई स्कूल में नहीं गया, ना मैं कोई फिल्म स्कूल में गया. मैं थिएटर किया, फिर आई वॉज 17 मैंने वर्कशॉप किया पहले. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट तुम लाइफ इज द बिगेस्ट टीचर. व्हाट यू लर्न फ्रॉम लाइफ नोबडी कैन टीच. अभी टेक्निकली डेफिनेटली यू गेट टू नो अ लॉट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, बट बेसिक जो सीखना है वो तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकती. दैट यू नीड टू लुक अराउंड यू एंड लुक विद इन यू. जिंदगी वो अपने आप में भी झाँको तो उनको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है. लेकिन आई डोंट नो, मैं जब भी मैं थिएटर करने का तभी ये नए नए सब सीख के आए थे, तो सब डॉस्टोवस्की स्टैनिस्लावस्की के नाम सुन के मेरी ऐसी फील क्या है फील ये तो मुझे आता नहीं. बट देन स्लोली आई रियलाइज कि दैट इज नॉट वॉट इज इम्पॉर्टेंट, यू नो. वो एट द एंड ऑफ द डे गिवन अ सिचुएशन को तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम कैसे रिएक्ट करोगे? इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस, इफ यू हैव नॉट सीन लाइफ, यू कांट. इफ आई यू हैव टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन वेयर देयर इज आई सी अ मैन हु इज नॉट ईटिंग फॉर 10 डेज, सो इफ आई हैव नॉट सीन एनीथिंग, ये मुझे सिखाता नहीं है, ना स्टैनिस्लावस्की सिखाता है ना डॉस्टोवस्की सिखाता है. ये मैं कहीं पर आई रिकलेक्ट. सो वॉट यू नीड टू डू इज ऑब्जर्व. हमारी आंखें खुली रखोगे तो वो सबसे बड़ा टीचर है. एंड somewhere more than talking to them I wanted to see their energy also, kyunki kya hai ye mera competition hai. I take them very very personally. ye mera competition hai kyunki I don't like to give an inch, but then I know ki they are
they have all the hathiyar. So I would really, it was a really nice experience trying to see the future of Indian cinema. And मजा है, बहुत बहुत मजा है. और I just hope sometimes to be हमारे time में ऐसा हो तो sometimes I feel jealous also. You could have heard so many people. Today when I work with Nana, I know Nana, but then I know Amitabh Bachchan. But then there are so many people who can enlighten you. आज मैं नाना के बातें सुनते थे, I said felt like as a youth if I do or listen to so many things, it would have helped me in life definitely. But let us not cry over spilled milk. The experience was very very enriching. Mahesh sir, talking about Nat Samrat, first big blockbuster of the year, how do you both of you look into it? Kis tarah se film bani aur bahut zyada business bhi kiya film mein, expect the commercial expect as well as logo ko aapki pasand bhi aayi. No, but you will be surprised that when I decided that I am going to do Nat Samrat, people started avoiding me like the play, because see, they had seen the play. Mm-hmm. At the end of the day, when you adapt, they didn't know what was the script mein kya tha. So they were just waiting के बनने दे फिर देखेंगे कि थिएटर तो बहुत देखा है लोगों ने, it has been seen by so many people, तो सिनेमा कौन देखने आएगा. But then I knew when the script was made somewhere, I knew कि I have a winner on my hand. The only problem was I had to convince someone who was going to put in money, and I'm very fortunate कि मुझे विश्वास जोशी जैसे producer मिले, because it was not an easy film to make. I needed a burnt theater, so मैंने लिखने में तो बहुत easy लगता है. मैंने I still dread the fact मैंने लिखा एक burnt theater, live कहाँ से burnt theater? So we had to make a theater and burn it and then shoot there. एक bridge के नीचे रहता है, तो today shooting under a bridge in Nana Patnagar is next to impossible, and there were day scenes, night scenes, सब था. So erect that bridge, तो nowhere did the producer falter. No, किसी बताया नहीं उसने मेरे को कि यार इतना खर्चा क्या करें. And for a Marathi film, the budget was nearly 2.5 times the normal Marathi film budget. But then, I think once we saw the rough cut, I mean, जानते थे कि we have to win the Oscar. Z का आना बहुत बड़ा contribution था. They really took it to the masses. They know how to market film. But then at the end of the day, only marketing doesn't help. So, and there was a connect. क्या होता है लोगों ने बताया कि मेरे सम्राट old है, कौन देखेगा youth? But I think there was a lot of youth who saw the film. What happens if we today underestimate the youth? Today the youth is exposed to so much ki they, you don't need to tell them, you don't ki jo koi sochta na ki I am making a film ye youth ke liye bana raha hai, they are the biggest morons. Because the youth knows what is right for them, what is wrong for them. Don't try to, you know, categorize. So somewhere I think everybody contributed, everybody, actors, my set designer, my music composer, my cameraman, everybody was there, you know, they were spot on. So that is the reason we, हम लोग ने सोचा था, मैंने कहा था 45 days लगेंगे shoot के लिए, मैंने schedule ही बनाया था 45 days का. नाना बोला नहीं नहीं 60 दिन के नीचे एक दिन नहीं लगेगा, तो बोला ठीक है देखेंगे. And before we knew it, we had finished the film in 36 days. So वो also, you know, everybody was charged. And then I don't know, either my, thoda ma, I thought there would be interaction with the audience. What happens is sometimes we had everything bound. Script, ek bahut bada advantage hai. It's a huge advantage. I mean, there are some changes you do in a script, but having a bound script is the best thing to do. And if you bahut time aisa hota na ki humne scene likhe rehte, we'll improvise. Nahi hota. Improvise bhi hota hai kabhi kabhi. But when you say ki everything, no, you have basic 90% of the script should be there, and वो बहुत बहुत contribute किया बहुत था इन दिस सेंस. नाना सर, would you like to add something? नहीं, मेरा काम तो हो गया था ना, फिर ये producer का काम था पैसे गिनना. मेरा क्या, मेरे पैसे तो दिए थे उसमें, पर पैसे से ज़्यादा एक इतना कुछ करने का मौका मिला. सो मुझे सभी जो remuneration था वो पहले ही मिल गया था, तो मेरे लिए तो फिल्म पहले ही 1,000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी, क्योंकि इमोशनली मुझे जितना करना था एज एन एक्टर वो तो मुझे मिल गया था. सो आई वाज नॉट वरीड अबाउट द बिजनेस. सर, साथ ही जानना चाहेंगे नाना सर, कितना चेंजेस देखते हैं, क्योंकि आप बॉलीवुड और मराठी दोनों सिनेमा से जुड़े हैं, तो मराठी सिनेमा में पहले से लेके अब तक कितना चेंज